Good morning, Assalamu Alaikum students. Let's move forward with the chapter 3 questions. Let's start the chapter again. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging ground in front of his hut. जब किंग जो है हर्मिट के हट के मतलब साधु के जो झोपड़ी है उसके हट के पास गया तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो अपने हट के सामने जो ग्राउंड है उसको डिग कर रहा था, मतलब उसको खोद रहा था, जमीन को खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. उसने किंग को विश किया और वापस अपनी डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए वापस चालू स्टार्ट हो गया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट जो था साधु बहुत ज्यादा दुबला पतला और बूढ़ा था. एज ही वर्क ही ब्रीद हैवीली. वो काम कर रहा था जिसकी वजह से वो उसकी सांस फूल रही थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस. किंग उसके पास गया और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट साधु, 3 सवालों के जवाब जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. Who are the people I need most and what affairs are most important? उसने वापस 3 questions repeat किए कि कौन सी ऐसी चीज है मुझे एक time पे जो करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा important हो, और कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने चाहिए, और कौन से affairs मेरे लिए सबसे ज्यादा important होने चाहिए. 3 सवाल king ने साधु के सामने रखे. The hermit listened to the king but did not speak. Hermit ने किंग की बात सुनी बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई भी जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो अपनी खुदाई करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. फिर जो हर्मिट था वो बहुत ज्यादा थक चुका था तो किंग ने कहा कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो मैं आपका स्पेड ले लेता हूँ, स्पेड यानी फावड़ा, वो लेके मैं आपकी जगह पर काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने किंग को थैंक्स कहा. Giving the king his spade, और अपना स्पेड जो है उसने किंग को दे दिया. Then he sat down on the ground. फिर वो अपने वहीं पर ग्राउंड पर जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. उसने किंग ने थोड़ा सा ग्राउंड खोदने के बाद में और उसने वो रुक गया और उसने अपने questions वापस रिपीट करे किंग ने. The hermit gave no answer. फिर भी हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. उसने कोई आंसर नहीं दिया लेकिन वो खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ फैलाए वापस स्पेड यानी फावड़ा मांगने के लिए. एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. उसने कहा कि अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग ने उसको स्पेड वापस नहीं किया और वो लगातार खोदता गया. One hour passed, then another. एक घंटा बीता उसके बाद दूसरा बीता. The sun went down behind the trees. सूर्यास्त भी हो चुका था और at last the king stuck the spade into the ground and said. मतलब पूरा दिन बीत चुका था खुदाई करते करते तो लास्ट में किंग ने स्पेड को जमीन पर रखकर और कहा I came to you wise man for an answer to my questions. फिर उसने रिपीट किया कि मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर आप उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाता हूँ. सो द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड रिलेटेड टू दिस पार्ट आई विल गिव यू सम वर्ड मीनिंग्स. यू हैव टू डू दैट वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक.